हम एक एस्टिमेट करते हैं पॉपुलेशन को फॉर एनी डेट विदिन अ विद इन प्रेजेंट पीरियड यानी एक आज के प्रेजेंट पीरियड से एक फर्दर डेट के अंदर हम एक एस्टिमेट करते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो कितनी बढ़ सकती है या कितनी घट सकती है इस तरह की एस्टिमेशन को इंटरपोलेशन जो है मायोमेंट जो है वो कहते हैं इट इज बिकॉज ऑफ दी हाई कॉस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सेंसेज हमारे पॉपुलेशन सेंसेज की कॉस्ट इतनी हाई होती है विच आर नॉट कंडक्टेड एवरी ईयर जैसा कि मैंने आपको बताया हर साल भी नहीं होते तो एस पॉपुलेशन सेंसेस सम वेयर आर परफॉर्म इन टेन ईयर इन फाइव ईयर देर फॉर गवर्नमेंट्स जो है वो क्रिएट करती हैं एनुअल पॉपुलेशन एस्टिमेट बाई यूजिंग रिलेटेड ईयरली डेटा एंड पाई पॉपुलेशन सेंसेस सच एज इस तरह के जो डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि सेंसर्स नहीं होते अब crit, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी जो है वो डिफरेंट जो है एनलिस सोशल साइंसिस के लोग देते हैं कि अब जैसे इंटरपोलेशन का जो मैंने आपको बताया क्रिटिसिज्म भी है इसके ऊपर कि कि ऑफ यूजिंग इट लैक्स एक प्रिसाइसनेस इसके अंदर जो है वो नहीं होगी ये ज़्यादा इतनी प्रिसाइस प्रॉब्लम नहीं होगी एंड इट विज ऑल ऑल ऑल्सो डज नॉट ऑलवेज टली रिफ्लेक्ट करेगी वॉलेटलिटी ऑफ द पॉपुलेशन को तो ये इसके अंदर एक क्रिटिसिज्म जो है वो आपको मिलती है अब इसी तरह से इंटरपोलेशन के बाद एक एक्स्ट्रोपोलेशन की एक टर्म भी है जो कि पॉपुलेशन को मायमेंट करने में जो है वो यूज होती है जब वैन वी टॉक अबाउट दी पॉपुलेशन वी टॉक अबाउट द माट ऑफ पॉपुलेशन एक्स्ट्रोपोलेट जो है अब इसको हम डिफाइन कैसे कह सकें स्पेकुलेट स्पेकुलेशन की बेस पे है एस्टिमेट और वी अराइव एट द कंक्लूजन बेस्ड ऑन द नोन फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन फॉर एग्जांपल एन एक्सपोलेट इज डिसाइडिंग, हम एक एक्सट्रोपोलेट हम डिसाइड करेंगे कि इट विल टेक हम कहते हैं कि मुझे इतने ट्वेंटी मिनट्स लगेंगे गेट होम बिकॉज मुझे ट्वेंटी मिनट्स uh, जो है उससे मैं अपने दफ्तर से जाती हूँ अपने यूनिवर्सिटी uh, मुझे वहाँ पे बीस मिनट लगते हैं तो मैं एक एस्टिमेट करती हूँ मुझे वापसी पे भी बीस मिनट लगेंगे क्योंकि मुझे जाते हुए बीस मिनट लगेंगे हम पॉपुलेशन की भी इस तरह की ऑब्जर्वेशन और माजी के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को देखते हुए सम टाइम हम प्रिडिक्ट करते हैं इंक्रीज और द डिक्रीज इन द पॉपुलेशन इसको हम एक्सट्रोपुलेशन एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं सिमिलरली एक्स्ट्रोपुलेशन जो है ये इन्वॉल्व करता है मेकिंग स्टेटिस्टिकल फोरका का बाई यूजिंग हिस्टोरिकल ट्रेंड जो मैंने आपको भी बताया डेट आर प्रोजेक्टेड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इन टू दी फ्यूचर हम माजी के किसी ट्रेंड को ले लेंगे और उसकी बेस पे हम फ्यूचर प्रोडिक्शन कर देंगे इसको हम एक्सट्रोपुलेशन बाइमेंट ऑफ पॉपुलेशन कह सकते हैं अब आ, इस ये टाइम सीरीज भी हो सकता है इट इज यूज फॉर द टाइम सीरीज फोर्सकास्ट और क्रॉस सेक्शनल भी हो सकता है एट वन पॉइंट भी हो सकता है और मिक्स पैनल डाटा भी हो सकता है और इसके अंदर आप लोगों के लिए समझने के लिए इतना काफी है कि स्टार्स के अंदर मल्टीवेरिएट रिग्रेशन जो है वो लगाए जाते हैं डिफरेंट टेस्ट लगाए जाते हैं उन टेस्ट को सामने रखते हुए स्टिस्टिकल माइसमेंट्स को सामने रखते हुए इसका फिगर जो है वो हम ले सकते हैं दिस मैथोलॉजी ये पैथोडोलॉजी यूजफुल है व्हेन मेजर चेंजेस आर नॉट एक्सपेक्टिंग देखें ये एक्सट्रोपुलेशन जो है क्योंकि हम एक ऑब्जर्वेशन बेस के ऊपर ये चीज़ कर रहे होते हैं प्रेडिक्ट करते हैं अगर तो सोसाइटल किसी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसी कंट्री के बिहेवियर पैटर्न्स उसके अंदर कोई मेजर चेंज नहीं है तब तो हम इसमें आ, जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्यूरेसी इसके अंदर होगी लेकिन अगर किसी कंट्री के बिहेवियर पैटर्न के अंदर तब्दीली है तो हम फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका डाटा हमें ठीक नहीं मिलेगा मैं आपको पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझाने के लिए एक मिसाल देती हूँ चलिए मैं मिसाल देती हूँ कि यहाँ हमारे यहाँ अभी भी फैमिली प्लानिंग के जो मेथड्स हैं इसके ऊपर बड़ी एक डिबेट है और बींग इस्लामिक कंट्री लोगों के इसके ऊपर सही एक नॉलेज नहीं है और लोग अभी भी कहते हैं कि इट इज़ फॉरबिडन टू यूज सच मेथड्स इन इस्लाम अगर यहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट आ जाती है जो हंड्रेड परसेंट एक राइटिस्ट right, गवर्नमेंट है और बहुत ज़्यादा साइंटिफिक ट्रेंड्स को वो इस्तेमाल नहीं करती और हमें वो गवर्नमेंट पिछले पाँच साल में भी आती है और आने वाले पाँच साल में भी आती हुई नज़र आती है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं आ, माजी के ट्रेंड्स को देखते हुए कि इस तरह की गवर्नमेंट रही और वो पॉलिसीज भी उस हिसाब से बनाएगी तो आने वाले पाँच साल में भी पाकिस्तान की आबादी में तेज़ी से इजाफा होगा बिकॉज पीपल विल डिक्लाइन यूजिंग अ फैमिली प्लानिंग में हाउ एवर इफ वी सी अ गवर्नमेंट विच इज प्रबली वेस्टर्न इन था एंड विच इज विच वुड लाइक टू गो विद दी वर्ल्ड नीड्स और जो कि तालीम को इतना आम करेगी लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी कि फैमिली साइज को हमें किस हद तक लेके जाना है अगर एक ऐसे गवर्नमेंट होती है और आने आने वाले दिनों में वही गवर्नमेंट हमें आती हुई नज़र आती है देन वी कैन प्रोडिक्ट कि हमें कहीं ना कहीं पॉपुलेशन साइज जो है वह कंट्रोल होता नज़र आता है एक्सट्रोपुलेशन uh, जो है इट इज डेट रिसेंट एंड हिस्टोरिकल ट्रेंड विल कंटिन्यू एंड प्रोड्यूस लार्ज हाँ इफ डिफ कॉन्टिन्यू सक विद इन द प्रोजेक्टेड टाइम एंड दैट इज प्योर एक्सपोले एक्सट्रोपोलेशन ऑफ टाइम सीरीज जूम दैट वी ऑल नीड टू नो इज कंटेन इन द हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ द टाइम सीरीज बींग जिसको हम फोकास्ट करते हैं ऑल्सो अगर हम इजम करें डेट पास्ट बिहेवियर इज अ गुड प्रोडक्ट ऑफ फ्यूचर बिहेवियर तो फिर उस बेस के ऊपर एक्सट्रोपोलेशन हमें अपीलिंग नजर आ सकता है हाई एवर दिस मेक्स इट्स यूजफुल अप्रोच वैन डेट इज नीडिड आर मैनी शॉर्ट टर्म फोरकास्ट लेकिन एक्सट्रोपो एक्सट्रोपोलेशन की जो एस्टिमेशन है इसके अंदर द इज ऑल्सो हाई रिस्क ऑफ प्रोड्यूसिंग इन एक्ोरेट रिजल्ट एज कम्पेयर टू द इंट्रोपोलेशन वे ऑफ माइमेंट